तो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में प्रीवियस वीडियोस में हम लोग देख रहे थे बोर्स मॉडल ऑफ एनाटॉमी, ठीक है। और उसमें हम लोग उसका जो पॉस्टुलेट्स था वो भी पढ़े थे, और इलेक्ट्रॉन्स का जो फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला था, वेलोसिटी के बारे में, रेडियस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझ पाए थे, है ना। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सब सारी बातें हुई थी, ठीक है। आज जो है हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस। नहीं, उससे पहले, लिमिटेशंस करने से पहले जरा सा हम लोग ये कर लेते हैं। मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि बोर्स मॉडल के बाद कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेंगे और फिर लिमिटेशंस पे आएंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। जैसे प्रॉब्लम 2.10 है, प्रॉब्लम 2.10, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन, ऑफ अ फोटोन emitted during a transition, from n equals to 5 state to n equal to 2 state in the hydrogen atom, in the hydrogen atom. ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो देखिए, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, हम लोग को क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, किसका, एक फोटोन का। और वो फोटोन एमिट हुआ, निकला कब, जब एक ट्रांजिशन हुआ है n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2, है ना। जैसे मान लीजिए ये डिफरेंट एनर्जी लेवल है 1, 2, 3, 4, 5, तो n इक्वल टू 5 से वो फॉल किया इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, n इक्वल्स टू 2। तो जब वो फॉल किया तो कुछ रेडिएशन यहाँ पे बाहर निकला है ना, ये हम लोग बोर्स मॉडल में पढ़ चुके हैं। तो जो रेडिएशन बाहर निकला है, ये इसी का मुझे फ्रीक्वेंसी बताना है और इसी का मुझे वेवलेंथ बताना है, ये क्वेश्चन, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा था इससे रिलेटेड बोर्स मॉडल में। उसमें जो इक्वेशन, अगर आपको ध्यान होगा तो वहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे थे कि फ्रीक्वेंसी एच न्यू एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा ई, ऐसा पढ़े हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोगों को ये तो चाहिए, एनर्जी का डिफरेंस ये चाहिए ना। अगर ये इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि यहाँ पे जो एनर्जी है और यहाँ पे आया, तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वही ना यहाँ पे बाहर निकला, तो जो फ्रीक्वेंसी हुआ या उसमें एच इंटू करेंगे तो जो एनर्जी होगा एच न्यू, वो इस दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब ये एनर्जी का डिफरेंस हमको तो निकालना पड़ेगा। तो एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है कि यहाँ पे ज़्यादा है, ये आपको पता है। एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा है, तो एन ज़्यादा होता है तो एनर्जी ज़्यादा होता है, तो एन ज़्यादा होता है तो एनर्जी ज़्यादा होता है, तो वो आप लिख सकते हैं आराम से यहाँ पे, ठीक है। और उसके लिए एक हम लोगों ने पढ़ा भी था, याद होगा, यहाँ पे देखिए 5 से आ रहा है 2 पे, यानी कौन सा सीरीज हुआ, बामर सीरीज हुआ, ठीक है। तो बामर सीरीज जब हुआ तो एनर्जी इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला हम लोग लिखे थे 2.18 इंटू
टेन टू द पावर 18 है ना, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इतना जूल इंटू, या फिर आप ऐसे देखिए तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है तो ये बाई 5 स्क्वायर ऐसे लिखेंगे ना, बाई एन स्क्वायर था ना। और हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का तो वैल्यू 1 होता है, ठीक है ध्यान आ रहा है। ठीक है इतना, और यहाँ पे साइन माइनस था ये तो वैल्यू हुआ इसके लिए। ठीक है ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े इतना एन जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे, तो जेड स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए तो 1 होगा तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, बाई एन स्क्वायर एन 5 है तो वहाँ के लिए निकाल लिए। और एन जितना ज़्यादा वैल्यू होता है उतना ज़्यादा एनर्जी होता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रहे थे माइनस, फिर ये करेंगे तो माइनस 2.18 इंटू 10^-18 बाई इस पर जो एनर्जी होगा यानी कि 2 का स्क्वायर ऐसे ही होगा। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका माइनस माइनस प्लस तो 2.18 टेन टू द पावर माइनस 18 प्लस साइन में तो 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस साइन माइनस 2.18 टेन टू द पावर माइनस 18 बाय 25 ये आ रहा है। तो 2.18 टेन टू द माइनस 18 कॉमन ले लिए तो 1/4, अगर प्लस पॉजिटिव साइन में देखेंगे तो ये 1/4 माइनस 1/25 ऐसे आएगा, तो 2.18 टेन टू द माइनस 18 इंटू 25 माइनस 4 ये आपका, और तो ऐसा नहीं रहा है, 25 माइनस 4 21, और एलसीएम जब लेंगे तो 100 ये हो रहा है। ठीक है तो ये आपका एच न्यू आया। ठीक ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है इसी को आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं यहाँ पे पूरा लिख करके, तो ये फाइनली जो भी आपका यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ। ठीक है एच न्यू के बराबर ये आ गया वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2.18 टेन टू द पावर माइनस 18 21 बाई 100। ठीक है एक सेकेंड, ये जो आपका आ रहा है उसको आप सॉल्व करेंगे तो इतना आ ही जाना चाहिए, हाँ आ जाएगा। ठीक है इसको आप सॉल्व कर लेंगे आराम से आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ये एच नीचे आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दिस मच बाय प्लैंक्स कांस्टेंट एच, तो प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 टेन टू द पावर माइनस 34 ऐसे यूनिट्स में है सब, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप कैलकुलेट कर लेंगे 6.91 टेन टू द पावर 14। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, तो एक ही बात है। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है एक चीज़ जो था फ्रीक्वेंसी वो आ गया, उसके बाद क्या है वेवलेंथ। वेवलेंथ जब हम निकालेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं, और ये फोटोन, फोटोन मीन्स विजिबल लाइट, तो वेलोसिटी जो होगा वो लाइट का वेलोसिटी लेंगे, तो मुझे लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इधर फ्रीक्वेंसी इधर, तो सी बाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो सी का वैल्यू क्या है 3 इंटू 10^8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी आपका ये आया हुआ है 6.91 इंटू 10^14 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये जैसे मीटर पर सेकंड है और ये आपका पर सेकंड, पर सेकंड पर सेकंड कट जाएगा तो मीटर आएगा ना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मीटर आएगा लगभग। ये अप्रॉक्स जो है आपको आ रहा है 434, कैलकुलेशन कर लीजिएगा घर पे और देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा इसके आंसर। तो ये आ रहा है 434 नैनोमीटर, ठीक है। तो देखिए मैंने प्रोसेस बता दिया है आपको कि क्या करना है ना। तो सिंपल है, n इक्वल्स टू 5 से कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है n इक्वल्स टू 2 पर, तो रेडिएशन बाहर निकला, जो भी फ्रिक्वेंस जो रेडिएशन बाहर निकला उस कुछ तो फ्रिक्वेंसी होगा, कुछ तो वेवलेंथ होगा, वही निकालना था आपको। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो फॉर्मूला लिख लिए, यहाँ जो एनर्जी है वो लिख लिए, कितना डिफरेंस हुआ तो यहाँ का एनर्जी माइनस यहाँ का एनर्जी कर दिए, तो जो डिफरेंस होगा वही इस रेडिएशन का एनर्जी होगा, इस फोटोन का एनर्जी होगा। तो इसका एनर्जी एच न्यू लिख दिए और एच न्यू इज इक्वल टू दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी, उसके बराबर कर दिए, है ना। तो यहाँ पे वही किए, तो वहाँ से फ्रिक्वेंसी आ गया और फिर इस फॉर्मूला से हम लोग को फ्रिक्वेंसी से वेवलेंथ मिल गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। देखिए कैलकुलेट द क्वेश्चन नंबर, ये है आपका 2.11 प्रॉब्लम नंबर 2.11, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ HE प्लस है ना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। देखिए यहाँ पे हीलियम प्लस, ठीक, तो ये हीलियम प्लस का फर्स्ट ऑर्बिट का आपसे एनर्जी पूछ रहा है और दूसरा रेडियस भी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे एच ई प्लस बोला तो एच ई प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, हीलियम का एटमिक नंबर 2 होता है, प्लस है, एटमिक नंबर 2 का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक प्लस चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1 ही हुआ ना, और यानी कि ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, बताया था मैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में बोर्स मॉडल तो एप्लीकेबल है, तो बोर्स मॉडल अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये जो मॉडल अप्लाई होगा तो उसमें हम लोग यानी कि एच ई प्लस में जैसे हाइड्रोजन के लिए था वैसे हम लोग फॉर्मूला वगैरह लिख सकते हैं, और फॉर्मूला आपको याद होगा क्या लिखे थे हम लोग, ई एन इक्वल्स टू माइनस 2.8 इंटू 10^18, ठीक है,
इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ऐसे था, इतना जूल पर एटम होता है ये एनर्जी, ठीक है, जूल पर एटम, ठीक है। तो हीलियम है, हीलियम के लिए, फॉर हीलियम जेड इज इक्वल टू, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। वहां पे फर्स्ट ऑर्बिट बोला है, फर्स्ट ऑर्बिट, इसलिए n का वैल्यू 1 हो जाएगा और z का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब हम लोग पुट करेंगे वहां पे, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोला गया है तो 1 कर दिए n की जगह पे, तो -2.18 इंटू 10 to the power -18 जेड स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया -2.18 इंटू 10 to the power -18, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 1 तो 4, ये हुआ है ना। इसको हम लोग इंटू कर लेंगे तो आराम से आ जाएगा। देखिए 2 इतना होगा, माइनस साइन माइनस है, यहाँ पे माइनस साइन, -8.72 × 10⁻¹⁸ इतना जूल पर एटम है ना, इतना जूल पर एटम, ये आपका होगा। जस्ट फॉर्मूला लगाया है और फॉर्मूला पे जो वैल्यूज था वो पुट कर दिया है। एक और पार्ट है क्वेश्चन का, वो है रेडियस, रेडियस किसका, ऑफ दिस ऑर्बिट, ऑर्बिट कौन सा, फर्स्ट ऑर्बिट, यानी एन इक्वल्स टू 1। तो रेडियस का भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आर एन इक्वल्स टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड था, ऐसा फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये ऐसे लिखते हैं तो इतना पिकोमीटर लिखते हैं, तो 52.9 इंटू एन स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है तो 1 का स्क्वायर बाई जेड, हीलियम के लिए जेड का वैल्यू है 2, तो इतना पिकोमीटर कर लेंगे, तो 2 ठीक है, इतना पिकोमीटर, पिकोमीटर में आ गया, तो आप नैनोमीटर में भी कर सकते हैं, एंगस्ट्रम में भी कर सकते हैं, जिसमें भी चाहे कर सकते हैं। तो जैसे कि इतना पिकोमीटर अगर मुझे लिखना हो तो मैं 10⁻¹² मीटर लिख सकता हूँ, ठीक है। मुझे एंगस्ट्रम में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, 26.45 इंटू 10⁻², इधर कर दिया और 10⁻¹० ले लिया इधर, 10⁻¹² हो गया ये। और इसको जब ये करेंगे तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.2645 और 10⁻¹० मीटर का मतलब एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम, ठीक है। तो इतना एंगस्ट्रम भी हो गया, तो आप मीटर में चाहे तो निकाल लिए, आप इसमें चाहे तो निकाल लिए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नैनोमीटर में वो भी आप कर सकते थे, नैनोमीटर में करने के लिए 10⁻¹ मीटर होता है, तो यहाँ पर 10⁻¹ अगर होगा तो एक 10⁻¹ इधर लाना होगा, यानी -3 हो जाएगा, तो 0.02645 इतना, और 10⁻¹ मीटर यानी कि नैनोमीटर, इसको हटा दीजिए, तो इतना नैनोमीटर हो गया, इतना एंगस्ट्रम हो गया, इतना मीटर हो गया और इतना पिकोमीटर हो गया। चारों तरह से जनरली यही सब में से लिखना होता है, तो जो भी आपको यूनिट में लिखना है आप इस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं
और वो आराम से आप निकाल भी सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, तो ये कुछ बोर्ड्स मॉडल से रिलेटेड जो एग्जांपल्स यहाँ पे था वो मैंने यहाँ पे डिक्टेट किया आपको। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई। अब तो ये इससे रिलेटेड ये था, है ना। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ किसका, बोर्ड्स मॉडल, है ना, लिमिटेशंस ऑफ बोर्ड्स मॉडल। देखिए, हालांकि बोर्ड्स मॉडल अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मॉडल है और उस वक्त मतलब एटम के बिहेवियर को समझने के लिए बहुत हद तक वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था और एक एक लाइन एक माइलस्टोन ये माना जाता है केमिस्ट्री में इस मॉडल को। बावजूद इसके उसमें कुछ कुछ कमियां थीं, है ना। जैसे मैं पहले थ्योरेटिकली थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ लिखवा भी दूंगा आपको। जैसे देखिए, जैसे एक चीज़ हम लोग प्रीवियस वीडियोस में ही तो देखे हैं, बोर्ड्स मॉडल, तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम है ये हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है। यानी मैंने बताया था कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ये एप्लीकेबल है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले के लिए। लेकिन अब जैसे दूसरे एटम्स हैं, जैसे हीलियम है, तो उसके लिए तो एप्लीकेबल नहीं है। एच ई प्लस के लिए वो एप्लीकेबल है, एल आई टू प्लस के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एल आई के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए बोर्ड्स मॉडल एप्लीकेबल है और दूसरे मॉडल के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर दूसरे मॉडल को कैसे स्टडी करेंगे। तो ये तो एक लिमिटेशन हो गई ना बोर्ड्स मॉडल की। तो पहला लिमिटेशन तो ये भी हो गया कि बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम जो है वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए है ना, तो ये एक बड़ा लिमिटेशन है। उसके बाद फिर और भी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा और बोर्ड्स मॉडल जो है उसको एक्सप्लेन भी किए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, तो उन्होंने सीधा बताया कि ये स्पेक्ट्रम है और डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में उन्होंने बताया, लेमन सीरीज, बामर, पैशन, ब्रैकेट, डिफरेंट सीरीज, ये सब। ठीक है, ये सब उन्होंने बताया। तो जब उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग जब स्पेक्ट्रल लाइंस को देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या पाते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो है ना, हम लोग तो सीधा सीधा देखें कि स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसे ऐसे मिल रहा है, लेकिन बहुत क्लोजली जब देखते हैं तो एक्चुअली दो दो स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो बहुत क्लोज क्लोज रहता है ना। मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में भी कुछ फाइन लाइंस रहते हैं, बहुत महीन सा, उसको हम लोग डपलेट कहते हैं या डुप्लेट, डुप्लेट कह लीजिए, डुप्लेट कहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ क्यों मिल रहा है वो बोर्ड्स मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया है ना, कि स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में जो फाइन लाइंस हैं प्रेजेंट उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया कुछ, तो ये भी एक कमी रह गई बोर्ड्स मॉडल में। ठीक है, फिर इसके अलावा और भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए हम लोग ने ये पढ़ा कि स्पेक्ट्रल लाइंस जैसे है और उसमें था कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, बोर्ड्स मॉडल के हिसाब से तो सीधा सीधा लाइन ऐसे देख रहे थे कि स्पेक्ट्रल लाइंस था, बट होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जैसे इधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज ले लें, ठीक है ऐसे, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर जनरेट हो गया, तो स्पेक्ट्रल लाइन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो स्प्लिट कर जाता है, वो जो है वो स्प्लिट कर जाता है, समझे। तो ये जो है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हो रहा है किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, स्टार्क इफेक्ट यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, जैसे कोई जैसे कि मान लीजिए ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन है तो वो ऐसे ट्रैवल करता है सीधा सीधा, है ना, लेकिन मान लीजिए मैं इधर प्लस और इधर माइनस चार्ज ले लूँ और इधर, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुआ तो उसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस आएगा और वो ऐसे जो है ना वो स्प्लिट कर जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट,
स्टार्क स्टार्क इफेक्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये बोर्ड्स मॉडल में नहीं बताया गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं और स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो ऐसे स्प्लिट कर जाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो इसको फिर हम लोग बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। ये स्टार्क इफेक्ट और ये जीमैन इफेक्ट है ना। तो जीमैन इफेक्ट क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दो अलग अलग चीज़ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज़ जो हो रहा है, स्प्लिटिंग जो हो रहा है स्पेक्ट्रल लाइंस का इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ये भी जो है बोर्ड्स मॉडल में नहीं एक्सप्लेन किया गया है ना, ये भी बोर्ड्स मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हम कह सकते हैं। अब जैसे एक और चीज़ है, आगे हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसमें मैं लिखवा भी दूंगा। तो उससे रिलेटेड एक और लिमिटेशन है यहाँ पे, इसलिए उसको लाना यहाँ पे ज़रूरी है। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है उसमें ये कहा गया था कि हम कोई माइक्रोस्कोपिक चार्ज्ड बॉडी जो होता है जैसे इलेक्ट्रॉन, तो उसका हम पोजिशन है ना कि कहाँ पर है वो पोजिशन, और उसका मोमेंटम, मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी, तो मास तो कांस्टेंट होता है तो यानी कि वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी। तो मोमेंटम बोलें या वेलोसिटी बोलें यहाँ पे तो बात बराबर है। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से ये था कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक चार्ज्ड बॉडी या इलेक्ट्रॉन जैसे है तो उसका हम लोग पोजिशन और उसका मोमेंटम या वेलोसिटी एक ही साथ सही सही नहीं बता सकते हैं, है ना, एक ही साथ सही सही एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। अगर एक हम सही बता रहे हैं, एक्यूरेट बता रहे हैं, तो दूसरा एक्यूरेट नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये थ्योरी था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था ये, तो और वो जो है वो प्रूवन फैक्ट भी था, वो प्रूफ किया हुआ था ठीक उस वक्त। लेकिन बोर मॉडल जो है, बोर मॉडल में ये कहा गया कि न्यूक्लियस है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करता है उसके अराउंड, ठीक है। तो जब उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है और एक पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट में वो मूव करता रहेगा, और जब तक वो मूव करता रहेगा उसका एनर्जी जो है उसमें वो कॉन्स्टेंट रहेगा, ये उन्होंने कहा। तो अगर एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बोर ने अपने मॉडल में इसका पोजिशन को एग्जैक्ट सही सही बताया। तब तो उन्होंने रेडियस का फॉर्मूला भी दिया ना, 52.9 पिकोमीटर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला को देने का क्या मतलब हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है तो हम उसका पोजिशन एग्जैक्टली सही सही बता रहे हैं, रेडियस बता रहे हैं यानी कि न्यूक्लियस के कितने दूरी पर है वो बता रहे हैं, और साथ में एनर्जी भी बता रहे हैं, यानी कि बोर मॉडल में जो कहा गया उसके हिसाब से वो पोजिशन और वेलोसिटी दोनों चीज़ सही सही बता रहे हैं, जो कि हेजनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से पॉसिबल नहीं था कि दोनों चीज़ों को एक टाइम पे सही सही बताया जा सके ऐसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जैसे चीज़ों के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे लिमिटेशन ये हो गया कि बोर्ड्स मॉडल में जो कहा गया वो हेजनबर्ग प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब उसको ये कर रहा था, उसको मतलब उसके हिसाब से नहीं था, उसमें जो कहा गया उसके उल्टा हो रहा था, ठीक है। तो ऐसा क्यों है या क्यों वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, तो ये सब के बारे में भी जो है बोर मॉडल में कुछ नहीं समझाया गया है ना, समझे। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था एक्चुअली इस मॉडल का, बोर्स मॉडल को उस वक्त बहुत अच्छा मॉडल माना गया, मगर जो सबसे बड़ा उसका जो क्रिटिसिज्म हुआ, उसकी जो शिकायत हुई वो इसी पॉइंट पे हुई,
कि हेजेनबर्ग प्रिंसिपल को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो बोर्स मॉडल के कई सारे लिमिटेशन सामने आए, है ना। क्या क्या हम लोग बात किए, एक तो ये कि बोर्स मॉडल एक ही इलेक्ट्रॉन के स्पीशीज वाले चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, दूसरे एटम्स के लिए नहीं है, एक वो थी। दूसरी बात कि स्पेक्ट्रल लाइंस तो उन्होंने हाइड्रोजन एटम का डिस्कस किया, मगर जो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में जो फाइन लाइंस आता है उसके बारे में वो नहीं बताए। ठीक है, एक और बात हम लोगों ने ये की कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट कर जाता है, जीमेन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, तो वो चीज़ क्यों हुआ, क्यों स्प्लिटिंग हुआ, वो नहीं समझा पाए। और जो चौथा जो मेज़र जो ये था लिमिटेशन इसका, वो ये था कि हेजेनबर्ग प्रिंसिपल को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, है ना, उसके हिसाब से वो नहीं था प्रिंसिपल। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग समझेंगे और उसको याद भी रखिएगा, एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, समझने के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो बातें हम लोग अभी कर रहे थे उसको थोड़ा सा लिख लिया जाए तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा वो, है ना। चलिए, तो लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, ठीक है, नंबर वन हम लोग क्या कह सकते हैं, नंबर वन, ठीक है, इट फेल्स टू अकाउंट, मतलब समझा नहीं पाए, है ना, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स, फॉर द फाइनर डिटेल्स, ठीक है, फाइनर डिटेल्स फाइनल डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम दैट इज डबलेट प्रेजेंट between the two spectral lines, ठीक है, यानी कि spectral lines, दो spectral lines के बीच में जो fine lines था उसी को मैंने यहाँ पे लिखा finer details, उसको वो समझा नहीं पाया। ठीक है, तो ये एक कमी रह गई। दूसरी बात, बोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम इज एप्लीकेबल टू बोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम इज एप्लीकेबल टू मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इज एप्लीकेबल टू मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, है ना, और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ठीक है, नंबर थ्री, द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड gets splitted, gets splitted इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, gets splitted, ठीक है,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब स्प्लिटिंग होता है तो स्टार्क इफेक्ट, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़िमन इफेक्ट। तो दो चीज़ है, स्टार्क इफेक्ट और ज़िमन इफेक्ट, है ना। तो द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स स्प्लिटेड, तो स्टार्क इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होता है उसको बोलते हैं ज़िमन इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो दोनों इफेक्ट था इसको बोर्स मॉडल में नहीं समझाया गया कि क्यों स्पेक्ट्रल लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट कर जाता है। अभी मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी पहले, उसके बाद ही लिख रहा हूँ, ठीक है। दीज इफेक्ट्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड, दीज इफेक्ट्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द बोर्स मॉडल, ठीक है। तो बोर्स मॉडल में इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, ज़िमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। और जो चौथा जो लिमिटेशंस मैं अभी लिखने जा रहा हूँ वो मैंने ऑलरेडी बताया, वो सबसे मेजर या मेन उसका लिमिटेशन था, है ना। उसके चलते बोर्स मॉडल का ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, और वो मैंने बताया क्या था, हेजिनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से वो नहीं था ये, है ना। फोर्थ नंबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम वॉज इन कॉन्ट्राडिक्शन with Heisenberg's uncertainty अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या है वो तो मैं अभी ऑलरेडी समझाया आपको, मगर इसको फिर से हम लोग अलग टॉपिक में लिखेंगे उसको, है ना। अभी फिलहाल लिमिटेशंस में हम लोग सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं कि बोर्स मॉडल जो है वो इस प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, है ना, यानी कि इसके अकॉर्डिंगली नहीं था वो प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सब जो है मैंने कुछ कुछ मेजर चार जो लिमिटेशंस है बोर्स मॉडल का वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरह से ये लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल हो गया, है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हेजिनबर्ग्स प्रिंसिपल पे। ठीक है, जो भी बात हुई हेजिनबर्ग प्रिंसिपल, हेजिनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजिनबर्ग्स अनसर्टेनिटी
हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए ये प्रिंसिपल में क्या कहा गया कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी, माइक्रोस्कोपिक बॉडी का मतलब बहुत सूक्ष्म बॉडी है ना, सूक्ष्म चीज, वो जब मूव करता है तो उसका पोजीशन और उसका वेलोसिटी या मोमेंटम हम लोग एक साथ सही सही नहीं बता सकते, एक साथ यानी कि साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली वर्ड का मतलब होता है एक ही टाइम पर। ठीक है, तो एक ही टाइम पर हम माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ का पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ एक टाइम पे एग्जैक्टली सही सही नहीं बता सकते। यह है हेजिनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पोजीशन सही सही बता रहे हैं तो मोमेंटम सही नहीं बता पाएंगे, और अगर हम मोमेंटम को सही सही बता रहे हैं एक टाइम पर तो पोजीशन फिर सही सही नहीं बता पाएंगे। ठीक है, यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है, सर्टेन मतलब निश्चित, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। तो हेजिनबर्ग का ये जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी अनिश्चितता का नियम, ठीक है, यानी उन्होंने ये कहा कि अगर पोजीशन अनिश्चित है तो वेलोसिटी या मोमेंटम निश्चित होगा, या वाइस वर्सा, या अगर वेलोसिटी निश्चित है तो पोजीशन अनिश्चित होगा। तो कहने का मतलब वही हुआ कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक टाइम पे हम सही सही नहीं बता सकते, अगर एक एक्यूरेट बताएंगे तो दूसरा में जो इनएक्यूरेसी है वो ज़्यादा होगा, अगर एक का एक्यूरेसी ज़्यादा है तो दूसरे का इनएक्यूरेसी ज़्यादा होगा। इनएक्यूरेसी मतलब अनसर्टेन होगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, और ये किसके लिए था, हेजिनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो था वो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए था, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इस तरह से। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं और फिर उस पर और डिस्कशन हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो हेजिनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट states that the position and momentum, the position and momentum या फिर velocity हम बताएंगे अभी क्या है, this principle states that the position and momentum of a माइक्रोस्कोपिक चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक चार्ज्ड बॉडी कैनॉट बी cannot be simultaneously found very accurate माइक्रोस्कोपिक का मतलब मैं बता चुका, बहुत छोटा। चार्ज बॉडी मतलब जानते ही हैं, जिस पे आवेश हो, है ना। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, तो एक साथ किसी माइक्रोस्कोपिक चार्ज्ड बॉडी का पोजीशन और मोमेंटम हम लोग एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकते। एक टाइम पे एक चीज़ का बता सकते हैं, मगर दोनों का एक साथ एक ही टाइम पे बताना बिल्कुल संभव नहीं है इस तरीके के हिसाब से। ठीक है, तो अगर इस थ्योरी को मैथमेटिकली लिखा जाए इक्वेशन के फॉर्म में, मैथमेटिकली डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई,
ये क्या है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया है उसी को मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इस प्रिंसिपल का, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को जरा सा समझते हैं, यहाँ डेल्टा एक्स है, ठीक। तो डेल्टा एक्स क्या बता रहा है, डेल्टा एक्स हम लोगों को बता रहा है अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी किसका, पोजीशन का। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है, ये डेल्टा एक्स बता रहा है। फिर है डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, है ना। पी जो है, स्मॉल लेटर पी, वो मोमेंटम के लिए डिनोट किया जाता है, और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये हम लोग जानते हैं। तो डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी जो लिखा हुआ है उसके जगह हम लोग मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई। और डेल्टा एक्स, अब यहाँ पे देखिए मास इनटू वेलोसिटी है, ये अनसर्टेनिटी बता रहा है। तो मास जो है वो किसी चीज़ का अनसर्टेन नहीं होता है, मास जो होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, ठीक है। कोई भी बॉडी का जैसे मान लेते हैं अगर 10 ग्राम है तो कहीं पे भी वो जाएगा तो वो 10 ग्राम ही रहेगा, स्पेस में कहीं पे भी जाए मास उसका वही रहता है। हाँ, वेट वगैरह चेंज होता है, तो वेट एक अलग चीज़ है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी का मास जो होता है वो हमेशा निश्चित होता है, वो सर्टेन होता है, ठीक है, वो किसी फैक्टर पे वैरी नहीं करता है, घटता बढ़ता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये अनसर्टेनिटी बता रहे हैं तो दैट मीन्स हमको यहाँ पे वेलोसिटी रखना चाहिए, मास तो चूंकि कांस्टेंट है वो अनसर्टेन तो है नहीं, तो उस टर्म को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख दें तो और ज़्यादा बेटर है। देखिए मास को बाहर कर लेते हैं क्योंकि वो अनसर्टेन नहीं है, तो मास इंटू डेल्टा वी कर लेंगे, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई, सही। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ठीक है, और ये एम जो है उसको नीचे ले आइए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, एच बाई फोर पाई इंटू एम, ये सारी बात हम कह सकते हैं। तो इस इक्वेशन को याद रखेंगे तो ये तो अपने आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेल्टा वी टर्म आ रहा है, तो डेल्टा वी क्या हो रहा है, डेल्टा वी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अनसर्टेनिटी किस में, डेल्टा वी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो अनसर्टेनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है किस में, इन वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है, डेल्टा वी। एच क्या है यहाँ पे, स्मॉल एच जो है वो क्या है, वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, स्मॉल एच जो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ भी चुके हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू आपको याद रखना होगा 6.626 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड, ठीक है। पाई तो जानते ही हैं, मैथमेटिकल वैल्यू 3.14 या 22/7, और स्मॉल एम जो है वो क्या है, मास, स्मॉल एम क्या है, मास। तो मास किस चीज़ का, जो भी माइक्रोस्कोपिक चार्ज बॉडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका मास। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है ना, तो बात तो हम लोग उस इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं, तो इसलिए एम जो है वो यहाँ पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें किस टर्म का क्या मतलब है वो मैंने दाहिने तरफ यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है, इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये जो है ग्रेटर या फिर इक्वल टू होगा किसके,
एच बाई फोर पाई के। तो एच तो कांस्टेंट है, फोर कांस्टेंट है और पाई का वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब ये पूरा टर्म में जो भी चीज़ है एच और फोर पाई ये तो कांस्टेंट है, यानी पूरा ये टर्म कांस्टेंट है। दैट मीन्स इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट है या उससे ज़्यादा होगा, लेकिन एक जो भी वैल्यू होगा वो तो कांस्टेंट है। तो अब दो चीज़ों का अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये और ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि अगर एक का वैल्यू अगर बढ़ता है तो दूसरे का वैल्यू घटेगा, तब तो दोनों का प्रोडक्ट वही वैल्यू आएगा ना, सेम आएगा, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो एक वैल्यू अगर बढ़ेगा तो दूसरा को घटना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो जाए मान लीजिए, तो ये वैल्यू कम होगा, तब ना दोनों का इनटू वैल्यू जो होगा वो एक सेम आएगा, है ना? तो कहने का मतलब एक अगर ज़्यादा होता है तो एक को कम होना पड़ेगा, या एक कम होता है तो दूसरे को ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, यानी जो पोजिशन है, जो उसका स्थिति है, वो अनसर्टेनिटी बता रहा है, और डेल्टा पी क्या बता रहा है? मोमेंटम का अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो अगर अनसर्टेनिटी पोजिशन में बढ़ेगा तो ये वैल्यू तो घट रहा है, यानी अनसर्टेनिटी मोमेंटम में जो है वो कम होगा। अनसर्टेनिटी कम होगा मतलब अनिश्चितता कम होगा, यानी कि वो ज़्यादा निश्चित होगा, निश्चित यानी एक्यूरेट होगा। तो एक अगर इनएक्यूरेट है तो दूसरा एक्यूरेट होगा। अगर इसका इनएक्यूरेसी ज़्यादा होगा यानी अनिश्चितता ज़्यादा होगा, तो इसका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, है कि नहीं? तो एक टाइम पे हम दोनों को एक्यूरेटली जो है एक टाइम पर नहीं बता पाएंगे वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन जो है वो हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब मोमेंटम जो है यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी, मास कांस्टेंट इसलिए इसको बाहर किए, इधर ले आए, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डेल्टा वी क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। दैट मीन्स हम किसी चीज़ का जो माइक्रोस्कोपिक बॉडी है उसका जो पोजिशन है और उसका जो वेलोसिटी है, दोनों को एक्यूरेटली हम सही सही नहीं बता सकते। जैसे यहाँ मोमेंटम के लिए किए, वैसे यहाँ वेलोसिटी भी हो जाएगा, क्योंकि मास इधर आ चुका है ना? तो हम वेलोसिटी अगर सही सही बता रहे हैं किसी का, तो पोजिशन हम सही सही नहीं बता पाएंगे, और अगर हम पोजिशन सही सही बता पा रहे हैं तो वेलोसिटी सही सही नहीं बता पाएंगे। ठीक है, यही था हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसको उन्होंने प्रूव भी किया हुआ था। लेकिन जो बोर्स मॉडल है उसमें तो उन्होंने सीधा कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है एक निश्चित पाथ पे, ऑर्बिट पे, जिसका एनर्जी फिक्स्ड होगा, है ना? जिसका रेडियस जो है एक पर्टिकुलर, उन्होंने फॉर्मूला भी दिया कि ये रेडियस होगा। तो दैट मीन्स आप निश्चित तौर पे उसका पोजीशन भी बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी भी बता रहे हैं उसका, है ना? जो कि हेजेनबर्ग के हिसाब से सही नहीं था। और ऐसा क्यों हो रहा है या कैसे क्या हो रहा है वो बोर्स मॉडल में नहीं समझाया गया। ठीक है, तो इसलिए बोर्स मॉडल में जो लिमिटेशन हम लोग बात कर रहे थे उसमें मेजर जो लिमिटेशन था वो यही था कि हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या उसके अकॉर्डिंग जो है उनका मॉडल ऑफ एटम सही नहीं बैठ रहा था। ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे और अगले क्लास में इसको और फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।